अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान कायम खानी। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि काश वो आर्कियोलॉजिस्ट होते और दुनिया में छुपे खजाने तलाश कर पाते। तो बेफिक्र रहिए, आज हम आपका ये ख्वाब पूरा कर देते हैं और आपको बताते हैं दुनिया में मिलने वाले कुछ बहुत ही दिलचस्प खजानों के बारे में जो कि लोगों को हादसाती तौर पर मिले। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और लाइक और कमेंट लाजमी करें ताकि आपकी सजेशंस और आपकी हौसला अफजाई हम तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 5 पे हमारे पास है द ओरिजिनल जैक्सन पोलक पेंटिंग। कभी कभी किस्मत आपके साथ कुछ ऐसा कर देती है जो आपके गुमान में भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ टेरी हॉडसन के साथ भी। टेरी हॉडसन 1992 में एक थ्रेफ्ट शॉप जो कि सेकेंड हैंड हाउस होल्ड शॉप है जो कि सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में वाक़ है, वहाँ अपनी एक दोस्त के लिए सालगिरह का गिफ्ट लेने गई। शॉप में इसने एक बड़ी सी पेंटिंग देखी। चूंकि ये एक आर्ट लवर नहीं थी तो उन्होंने उस पेंटिंग के सिर्फ $5 ऑफर दी और दुकानदार ने उनको वो पेंटिंग सेल कर दी। लेकिन पेंटिंग के बड़े साइज़ की वजह से किसी भी कमरे में फिट ना आई। कुछ साल बाद टेरी ने पेंटिंग और कुछ दीगर सामान यॉर्ड सेल में रख दिया। इत्तफाकन एक आर्ट टीचर की इस पेंटिंग पर नज़र पड़ी। टीचर ने टेरी को बताया कि ये एक मास्टरपीस है जो कि जैक्सन पोलक ने बनाई है। फिर इस पेंटिंग की फॉरेंसिक जांच हुई तो कैनवस पे जैक्सन पोलक के फिंगरप्रिंट्स भी मिले और टेरी को इस पेंटिंग जो कि इसने महज $5 की ख़रीदी थी, $2 मिलियन की ऑफ़र भी हुई। लेकिन टेरी की डिमांड $50 मिलियन है। ये पेंटिंग अभी भी टेरी हॉडसन के पास है। नंबर 4, $3 मिलियन वर्थ ऑफ बेसबॉल कार्ड्स। फरवरी 2011 में कार्ल किस्नर नामी शख्स को 700 के करीब बहुत ही नायाब बेसबॉल कार्ड मिले। ये कार्ड कार्ल किस्नर के दादा कार्ल हेंच के थे जो कि 1940 में मर चुके थे। एक दिन कार्ल अपने घर की एटिक की सफाई कर रहा था तब इसको एक लकड़ी का बॉक्स मिला। जब कार्ल ने इस बॉक्स को खोला तो इसमें तकरीबन 700 के करीब बहुत ही पुराने कार्ड्स थे जो कि इसने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। कार्ल ने जब ये कार्ड एक्सपर्ट को दिखाए तो पता चला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कार्ड कलेक्शन है। फिर अगस्त 2011 में कार्ल की फैमिली ने कुछ कार्ड्स बेचने का फैसला किया। एक नुमाइश के दौरान जो कि द नेशनल स्पोर्ट्स कलेक्टर कन्वेंशन बेल्टीमोर में थी, इन कार्ड से कार्ल की फैमिली को तकरीबन $2.3 मिलियन मिले। नंबर 3, $29 मास्टरपीस सोल्ड इन। कई साल पहले हॉस्टन के एक घर में ये नया पेंटिंग मौजूद थी, लेकिन इस घर में रहने वाले लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे। एक दिन जब ये तमाम घर वाले एक मास्टरपीस नामी आर्ट रिलेटेड गेम खेल रहे थे, इनको पता चला कि जो पेंटिंग सालों से इनके घर की दीवार पे लगी हुई है वो तो मार्टिन जॉनसन हेड की 3 महंगी तरीन पेंटिंग्स में से एक है जिसका नाम मंगोलियाज ऑन गोल्ड वेलवेट क्लॉथ है। 1999 में एक्सपर्ट्स
म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स इस पेंटिंग को चेक किया और तस्दीक की कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स हॉस्टन ने पेंटिंग की 1.25 मिलियन की ऑफ़र मालिक को दी, जो कि मालिक ने फौरन कबूल कर ली। नंबर दो, अ ग्रैंड मास सेफ फुल ऑफ सीक्रेट्स। दोस्तों, हम सब अपने नाना नानी दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और क्यों ना करें, वो होते ही इतने प्यारे हैं, बहुत मासूम भी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि सबके नाना नानी भोले, प्यारे, शरीफ और सीधे नहीं होते। अमेरिका की एक रियासत में एक फैमिली अपनी दादी के घर शिफ्ट हुई, जो कि एक छोटे से गांव में था। घर की सफाई के दौरान इनको एक लोहे की अलमारी मिली। जब इन्होंने इसको खोला तो इसमें से बंदूकें और मनी बैग्स निकले, जो कि ऐसे महसूस होता था जैसे किसी बैंक से लूटी गई रकम हो। इन मनी बैग्स में यूनियन बैंक, स्टेट बैंक और फर्स्ट नेशनल बैंक लिखा हुआ था। जब मनी बैग्स को खोला गया तो इनमें से तकरीबन 1,50,000 डॉलर के करीब कॉइन्स निकले। अब सवाल ये है कि क्या इनकी दादी अम्मा या नानी अम्मा ने ये बैंक लूटे थे, या ये ख़ज़ाना इनकी दादी या नानी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पैसा पैसा जमा करके इकट्ठे किए थे। नंबर वन, अ रेयर 1938 सुपरमैन कॉमिक बुक। 2013 में अमेरिका के एक घर में रेनोवेशन के काम के दौरान सुपरमैन सीरीज़ की कॉमिक मिली, जिसमें सुपरमैन की पहली अपीयरेंस थी। कॉन्ट्रैक्टर डेविड गंजालेस को ये कॉमिक घर के रेनोवेशन के दौरान रद्दी में मिली। इस कॉमिक बुक को 1,75,000 डॉलर में बेचा गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के हम कह सकते हैं कि जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये वीडियोस इस मिसाल पे पूरे तरीके से उतरती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।